नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 23 प्रगति नगर के पार्षद धर्मेंद्र भगत के जनता कार्यालय का विधिवत उद्घाटन श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ ही रिसाली के भाजपा पार्षद और वार्ड के लोग उपस्थित थे। वार्ड 23 प्रगति नगर नगरपालिक निगम रिसाली के वार्ड के लोगों को अपने निगम से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निगम कार्यालय के चक्कर काटने से राहत प्रदान करते हुए वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय की शुरुआत की है। जनता कार्यालय का शुभारंभ श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे ने फीता काटकर किया। इसके पूर्व पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कार्यालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। मनीष पांडे ने धर्मेंद्र भगत को जिम्मेदारी से भरी कुर्सी पर बैठाकर वार्ड के लोगों के सुख दुख में शामिल होने की अपेक्षा की। धर्मेंद्र भगत ने सभी की अपेक्षा में खरा उतरने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी बधाई संपूर्ण भिलाई एवं रिसाली के सभी माताओं बहनों को देता हूँ अपनी ओर से। आज वार्ड 23 के युवा पार्षद भाई धर्मेंद्र भगत जी के कार्यालय उद्घाटन का अवसर है और इसी अवसर पर मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मैं निश्चित तौर पर उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि कार्यालय के माध्यम से जो जनता की समस्याएं हैं इन वार्ड को लेकर और साथ ही साथ रिसाली नगर निगम को लेकर भी जो भी बात आए उसको इस कार्यालय पर अच्छे विचार विमर्श के साथ संयोजित तरीके से नगर निगम में अपनी बात रखें और जनता के कार्य सफलतापूर्वक करें, यही बधाई और शुभकामनाएं युवा पार्षद धर्मेंद्र भगत जी को अपनी ओर से। भविष्य देखते हैं, मैं ये जानता हूँ कि अभी वो श्री राम जन्मोत्सव समिति में हमारे प्रखंड में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभावान युवा हैं और संगठन क्षमता अच्छी है, कार्य करने की शैली अच्छी है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये यहाँ के लिए अच्छा कार्य करेंगे और युवाओं को अपने कार्य से प्रेरित कर लोगों को भी इस मार्ग पर लाने का काम करेंगे। सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है, क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष के लायक? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग काबिल हैं, उसमें से एक काबिल नेता ये भी है, पर ये पार्टी को निर्णय लेना है। वार्ड 23 प्रगति नगर रिसाली के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कहा कि लोगों से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। वे स्वयं और उनका स्टाफ प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक जनता कार्यालय में मौजूद रहेंगे। आज हिंदू नववर्ष की सबसे पहले मैं सभी वार्डवासियों को और नगरवासियों को बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही मैंने ये जो कार्यालय आज उद्घाटन किया है, उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, उस कार्यालय के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जनता की पहुँच में रहूँ और जनता के हर कार्य को इस कार्यालय के माध्यम से मैं कर सकूँ और उनके उन्होंने जिस विश्वास से मुझे चुना है उस विश्वास पर मैं खरा उतर सकूँ। कितने समय से मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे आपसे? यहाँ मुलाकात के लिए कोई समय नहीं है, वो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं यहाँ अवेलेबल रहूँगा जहाँ मेरा स्टाफ है। वार्ड के सड़क नाली और साफ सफाई की जो क्षेत्र की पहले से समस्याएं हैं जिनको मैं सुधार के लिए लगातार कार्यरत हूँ, इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूँ कि उनके किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो जिसके लिए वो निगम में जो भागदौड़ करते हैं, उनके समय जो खराब करते हैं वहाँ के अधिकारीगण, उन समय को बचाते हुए वो सारा काम मैं यहाँ से करवा सकूँगा। गौरतलब है कि आमतौर पर पार्षदों द्वारा पार्षद कार्यालय के माध्यम से जनता से जुड़ी शिकायतों समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है। धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।